पब्लिक टीवी आपकी आवाज। कार्तिकेय संस्था का 20वां निशुल्क अभिनय एवं नृत्य प्रशिक्षण शिविर आज कौशल्या कन्या इंटर कॉलेज में आरंभ हुआ। शिविर में मुख्य अतिथि प्रिया अग्रवाल रही। सर्वप्रथम प्रिया अग्रवाल और मधु गुप्ता ने दीप प्रज्वलन कर शिविर का शुभारंभ किया। प्रतिमा सारस्वत ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर पंकज दर्पण अग्रवाल ने किया। अभिनय प्रशिक्षु विपिन जैन, विकसित पंडित ने नृत्य प्रशिक्षक निशांत कुमार और राघव सागर ने प्रशिक्षुओं को निर्देश दिए। कार्यक्रम में राजू टंडन, गौरव गोयल, डॉक्टर रंजना मेहलोत्रा, स्वदेश सिंह, अलका राज, प्रिया वर्मा, गरिमा सिंह ने संबोधित किया। प्रिया अग्रवाल ने अपने उद्बोधन में शिविर की सफलता के लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। डॉक्टर पंकज दर्पण ने बताया कि जो प्रशिक्षु नाटक व समूह नृत्य तैयार करेंगे उनका जिगर मंच की नृत्य एवं नाटकीय संध्या में प्रदर्शन होगा। कार्यक्रम में हर्षिता ठाकुर, लीलाधर बालेश्वर, नितिन महेश्वरी का सहयोग रहा। और प्यारी प्यारी मेरे आप सबका मैं बहुत हार्दिक स्वागत वहां करते हैं। देखिए इतना सुंदर शिविर 20 साल से इस संस्था द्वारा लगाया जा रहा है और जिस तरीके का प्रशिक्षण दिया जा रहा है क्योंकि मैंने नाम ही सुना है और एक बहुत बड़ा सुंदर समूह भी इस संस्था का बनकर आया है। ये संस्था बधाई की पात्र है और मेरा जो मानना है कि कोई भी चीज बड़ी नहीं होती अगर हम दिल से शुरुआत उसकी करें। कहते ना कि शुरुआत तो छोटी छोटी चीजों से ही होती है। मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से जुड़ी 3 साल पहले ये अभियान आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा बीजेपी के उसमें जब मुझे दिया गया तो मुझे लगता था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से। पर हम जब उसको तन से मन से एक विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो कहते ना कि छोटी सी चीज बड़ी बन जाती है। मेरा नाम राज टंडन है। आज कार्तिकेय संस्था द्वारा हमारी जो कार्तिकेय संस्था है विगत 20 वर्षों से निःशुल्क प्रशिक्षण बच्चों को दिया जाता है इसमें और उसका परफॉर्मेंस आखिर में जिगर मंच में होता है तो उसमें बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उसका आज ओपनिंग हुई है और सभी लोग यहाँ पर पूरे जोश उत्साह के साथ उपस्थित रहे। शहर की हमारी गणमान्य प्रिया अग्रवाल जी वो आज यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा। बच्चों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा शिक्षा दी जा रही है जिससे बच्चों का उज्जवल भविष्य बन सके और पिता से यही अपील करना चाहूँगा कि जितने भी बच्चे जो छोटी उम्र के बच्चे हैं वो एक कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं उनको ढालने का कार्य जो है वो हम सब लोगों के हाथ में एक अच्छे समाज को विकसित करने के लिए हमें बच्चों को आगे से आगे अच्छे से अच्छा प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि बच्चे अपने आने वाले भविष्य में अच्छे से अच्छी उच्च शिक्षा हासिल कर सकें और कामयाब होकर समाज का नाम रोशन कर सकें। मेरा नाम मधुता है और मैं यहाँ ये शिविर लगा हुआ है और वहाँ के आज स्कूल में एक सम्मानित संस्था कार्तिकेय संस्था के द्वारा बच्चों के लिए निःशुल्क कैंप का आयोजन किया गया है जो पिछले साल ही लगा था जिसमें बच्चों ने बहुत अच्छा प्रतिभाग किया और उन्हें एक बहुत अच्छा मंच मिला जिगर मंच जिस पर बच्चे अपना परफॉर्म करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। बच्चों को नाटक, नृत्य और गीत आदि के माध्यम से उनकी प्रतिभाओं को उभारने का प्रयास किया है। जनता से यही अपील करना चाहूँगी कि जो हम आजकल एक अभियान चला हुआ है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ उस अभियान के तहत बेटियों को सभी प्रकार से संपन्न करें, सभी प्रकार से सुशिक्षित करें, सभी प्रकार से उन्हें सभी कलाओं में आगे लाएं जिससे उनकी भी प्रतिभा का पलायन ना हो सके और वो आगे आए।